हरियाणा में लोकसभा चुनाव से एन पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने रविवार को बीजेपी को अलविदा कह दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके कांग्रेस में आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। विजेंद्र सिंह ने परिवार बढ़ रहा है। वीरेंद्र सिंह कब शामिल होंगे? शामिल है दिल्ली में, शामिल ही होंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जमीन खिसक गई है। पिछले एक साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद अब तक बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे मैंने कहा कि हरियाणा में धरातल बीजेपी का खिसक गया है। हरियाणा में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लगातार एक वर्ष के अंदर 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, 35 पिछले एक वर्ष में। और ये क्रम जारी है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। निश्चित हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राज्य में बीजेपी की हालत को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इनके टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते। यह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं, वो भी इनके टिकट पर लड़ना नहीं चाहते, वो पहले ही रिजाइन दे रहे हैं और कांग्रेस की पार्टी की तरफ आ रहे हैं। सिंह उनके परिवार का पूरे हरियाणा में एक विशिष्ट स्थान है, उनका परिवार राजनीति में रहा है, सब जगह उनके लोग हैं, उनसे निश्चित तौर से पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। मैंने वही तो कहा कि पार्टी को बेनिफिट मिलेगा इससे, तो उनका भी अपना जन आधार है, पुराना राजनीतिक परिवार है, सब जगह उनकी पहचान है, उनसे निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। बता दें कि बृजेंद्र सिंह के बाद उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उनकी घर वापसी कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है, ये तो आने वाला चुनाव नतीजे बताए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।